स्टूडेंट्स, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी LPP। इसमें हमने फॉर्मूलेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए कि प्रॉब्लम दी हुई है उसको मैथमेटिकल फॉर्मूलेट करना। मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन में जो टर्म्स होती हैं उनको हम फिर से थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए, पहली टर्म होती है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम जेड से डिनोट करते हैं, वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। और जेड इक्वल टू किस टाइप का फंक्शन होता है, C1 X1 प्लस C2 X2 प्लस C1 Cn Xn। इस C1 C2 Cn ये कॉन्स्टेंट्स हैं, X1 X2 Xn वेरिएबल्स। ओके, तो यहाँ हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, उनको समझने के लिए हमें ये टर्म समझनी जरूरी है, इसलिए हम थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं इनको। अगला जो टर्म है वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स किस टाइप की होती हैं, यानी कैसे लिखते हैं हम, किस वो हम देख लेते हैं। A11 X1 प्लस A12 X2 प्लस सोन प्लस A1n Xn। यहाँ जो A11, A12, A1n हैं ये कॉन्स्टेंट, जैसे कि कॉन्स्टेंट्स में हम कहें 2x1, 4x2 इस टाइप से, 7x3। ठीक है, x1, x2, xn क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। और यहाँ जो है इनिक्वेशन होगी, इनिक्वेशन में ग्रेटर हो सकता है या लेस हो सकता है या फिर इक्वल, तीनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ V1 है, इसके ये ग्रेटर देन एंड इक्वल V1, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल V2। तो यहाँ इस तरीके से बहुत सारी कॉन्स्टेंट्स हो सकती हैं, दो या दो से ज़्यादा कितनी भी। ये V1, V2, V3, Vn ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट्स। इसके बाद थर्ड जो टर्म है हमारी वो है नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। नॉन नेगेटिव का मतलब जो कि नेगेटिव नहीं है, यानी कि पॉजिटिव है या फिर ज़ीरो है। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव या ज़ीरो, या हम दूसरी लैंग्वेज में ये कहें मैथमेटिकल फॉर्म में, X1 > या = 0। ये ज़ीरो है वो क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है। X2 > 0, इसी टाइप से Xn के लिए > 0। तो ये सारी क्या है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, यानी नेगेटिव नहीं है। हम कहें 1, ये भी नॉन नेगेटिव है, 2 ये भी नॉन नेगेटिव। तो जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं और 0 भी नॉन नेगेटिव होता है। हमने यहाँ ये समझा LPP को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें किन किन टर्म्स की ज़रूरत होती है, इन किन किन टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम कुछ डेफिनेशन समझ लेते हैं। देखिए, पहली डेफिनेशन है सॉल्यूशन ऑफ LPP। LPP का सॉल्यूशन क्या होता है, इसको हम सॉल्व भी करेंगे लेकिन थोड़ा सा हम समझ लें, जिससे जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आएगा कि क्या पूछा गया है हमें। तो पहले सॉल्यूशन ऑफ LPP क्या है, सॉल्यूशन ऑफ LPP इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स X1 X2 Xn सेटिस्फाइंग द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए LPP इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन ऑफ LPP। मतलब किसी LPP का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, जो वेरिएबल्स हैं उनका सेट होता है। वेरिएबल्स हमने बता चुके हैं X1 X2 Xn, यहाँ पर वेरिएबल्स को हमने इससे शो किया है। अब ये भी कहा है सेटिस्फाइंग मतलब हिंदी में कहें तो संतुष्ट करते हैं वेरिएबल्स किसको, कॉन्स्टेंट्स को, LPP के क्या कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, यहाँ हमने अभी बताया कि ये कॉन्स्टेंट। तो X1 X2 Xn की जो वैल्यूज आएंगी वो सारी वैल्यूज क्या होगा, इन इक्वेशंस या हम कहें इन इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करती होंगी। मतलब X1 X2 Xn की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की होंगी सॉल्यूशन में,
उनको हम यहाँ पुट करेंगे और इधर का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो वो वैल्यू इस वैल्यू के मतलब इक्वल होगी, सेम होगी। ठीक है, सेम समझ लो। यहाँ हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ 4 आया और यहाँ है 5, तब सेटिस्फाइड है। तो सॉरी, यहाँ 4 है यहाँ 3, तो 4 ग्रेटर होता है 3 के। ठीक है, और यहाँ 4 है यहाँ भी 4 है, तब हम इक्वल भी है, तो 4 इक्वल टू 4। दोनों ही में से कोई सी भी एक सेटिस्फाइड हो जाए तो हम कह देंगे कि कॉन्स्टेंट को ये जो वेरिएबल्स हैं वो सेटिस्फाइड कर रहा है। फिर समझ लीजिए, x1 x2 x3 की जो वैल्यू आएंगी वो वैल्यू कॉन्स्टेंट्स में जो इन इक्वेशंस हैं उनको क्या करेंगी, सेटिस्फाइड करेंगी। तो सेटिस्फाइड अगर करती हैं तब हम कहेंगे कि जो x1 x2 xn का जो सेट है, उनकी वैल्यू का सेट है, वो सॉल्यूशन होता है, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, इस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं, जैसे x1 की वैल्यू हुई 2, x2 की हुई 3, xn की कुछ और, तो वो वैल्यूज का जो सेट है उसको हम फिजिबल सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन वो वेरिएबल्स क्या करें, सेटिस्फाइंग द कॉन्स्टेंट्स, ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस दोनों को सेटिस्फाइड करें। किसको, कॉन्स्टेंट्स को और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। कॉन्स्टेंट क्या, वही इन इक्वेशंस, एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस क्या, ये बताया, ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस है। मतलब इसका मतलब हुआ कि x1 x2 x3 की जो वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, या तो 0 होंगी या फिर 0 से ग्रेटर होंगी, मतलब पॉजिटिव होंगी। तो एक तो ये सेटिस्फाइड हो और कॉन्स्टेंट भी सेटिस्फाइड। कॉन्स्टेंट से मतलब कि ये जो इन इक्वेशंस हैं ये सेटिस्फाइड करें, कौन, वेरिएबल्स, तब वो वेरिएबल का सेट क्या होगा, फीजेबल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, फीजेबल सॉल्यूशन में कॉन्स्टेंट नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन दोनों सेटिस्फाइड करें तब वो सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के लिए केवल कॉन्स्टेंट्स। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, ऑप्टिमल और ऑप्टिमम, ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमम सॉल्यूशन। इसमें देखिए क्या है, तीनों डेफिनेशन का जो प्रोसेस है वो सिमिलर ही है, इस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 xn सेटिस्फाइंग द कॉन्स्टेंट्स रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ LPP। मतलब कि यहाँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो जो x1 x2 xn है वो कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाइड करें, रेस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाइड करें और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ है, जैसे कि मैक्सिमाइज है तो यहाँ मैक्सिमाइज होना चाहिए, मिनिमाइज है तो ये वैल्यू मिनिमाइज होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, x1 x2 xn की वैल्यू पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा उसका कैलकुलेशन के बाद, वो ऐसे कॉन्स्टेंट्स में हम x1 x2 xn पुट करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, मीन ग्रेटर लेस जो भी हो, नॉन नेगेटिव ये। तो अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। बार फिर रिमाइंड कर लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन के लिए केवल जो वेरिएबल्स हैं वो केवल कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाइड करें, और इसको और इसको भी नॉन नेगेटिव, और ये सेटिस्फाइड ना हो तो केवल सॉल्यूशन होगा। फीजिबल में कॉन्स्टेंट और नॉन नेगेटिव दोनों, और ऑप्टिमम में ये तीनों टर्म सेटिस्फाइड हो, तब हम कहेंगे कि जो LPP प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो फीजिबल है, सॉरी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ठीक है।